टॉक। तो गुड मॉर्निंग गाइज, और 8:40 हो रहा है अभी, और अभी मैं निकल रहा हूँ धनबाद के लिए। तो आज ऐसा है कि एक धनबाद का राइड होने वाला है। यहाँ से धनबाद की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। तो और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। बहुत लोग सोए होंगे, बहुत लोग जगे होंगे। तो मिलते हैं धनबाद के लिए। थोड़ा लेट हो गया हूँ स्केड्यूल से, और सो के ठंड में यार क्या करें, इतने जल्दी कहाँ से निकले, कुकड़ा आ जाएगा शरीर। तो मिलते हैं रास्ते पे दोस्तों, एंड आई विल सी यू बैक टू द कैमरा ऑन द बाइक। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, एंड आई एम रेडी टू लीव फॉर धनबाद। एंड धनबाद इज अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर अभी फ्रॉम हियर। और अभी मैं NH 113 ए लिया हूँ, जो कि देवघर से कनेक्टिंग रोड है धनबाद रांची के लिए। सो धनबाद वासियों, मैं आ रहा हूँ, और आज संडे का दिन है। बहुत लोग सोए रहते हैं, बहुत लोग आलस की वजह से बेड से नहीं उठते हैं, और बहुत लोग निकल चलते हैं घूमने के लिए। तो मिलते हैं आपसे। और ये देखो, यहाँ पे गिरिडीह है 65 किलोमीटर एंड धनबाद 123 किलोमीटर पर। हम मेन रोड नहीं लेंगे, आगे से एक रास्ता डाइवर्जन कटता है मधुपुर से होके, तो वहाँ से जाएंगे। सो लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा होगा दिखाने को तो आगे आपको दिखाता हूँ, और मिलते हैं आगे। चले गाइस, भाई साहब वो देखिए, हॉराइजन आगे दिख रहा है, पूरा कुहासा है। ओपन एरिया होने की वजह से ऐसा कुछ है। और अभी 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 जस्ट हम देवीपुर बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर से देवीपुर यहाँ से, और फिर वहाँ से मधुपुर का बुढ़ई रोड आएगा। वेल मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन सब रोड्स में मैंने इतने सारे ब्लॉग्स बनाए कि आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली मैंने प्रिसाइज वे में ब्लॉग्स बनाया है। और संडे का दिन, उम्मीद है आप लोगों का अच्छा जा रहा है, और खिली खिली धूप है, शरीर में पड़ रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ठंड तो है दोस्तों। और झारखंड यानी कि झाड़ों का खंड, आपको यहाँ पे जंगल पर्वत बहुत मिलेंगे, पर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं ये सब चीज। तो सेव ट्रीज सेव लाइफ, दिस इज द मेन मोटो ऑफ, दिस शुड बी द मेन मोटो ऑफ एवरीवन। सो अभी एक रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है दोस्तों, और ये मधुपुर वाला रास्ता है, देवघर मधुपुर वाला रास्ता। और यहाँ से एक राइट साइड में डाइवर्जन कटेगा, अभी देखना अभी। तो वी विल टेक दिस रूट, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर धनबाद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी क्रॉस दिस। सो देखिए, यहाँ से पननिया 14, धमनी, मधुपुर, भिरकिया, जगदीशपुर, ये सब आएगा। तो ये रास्ता धनबाद के लिए। एक ये देखो अजीब विचित्र चीज़ है, रोड के बीचों बीच में गाछ है। जो नए लोग हैं उनको तो बेचारा गया। ये देखो झारखंड की तरक्की दोस्तों, रोड तो बना है इसमें नो डाउट, और आप देख लो गांव में भी रोड इतना अच्छा बन गया है। तो ये जो है धनबाद को कनेक्ट कर जाता है, ये रोड गोविंदपुर निकलता है, तो हम लोगों के लिए समय भी बच जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से गिरिडीह जाऊँ तो गिरिडीह ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर, और गिरिडीह से धनबाद ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर टुंडी होते हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा टुंडी का, अगर जो आसपास इधर के लोग हैं। तो वो रोड थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो अभी बेस्ट रोड हम लोग के लिए यही है देवघर से अगर धनबाद जाना है तो। ये देखिए, ये रोड निकाल दिया गोविंदपुर, सीधा अगर जाएंगे तो जामताड़ा चला जाएगा, और अब हम ले लेंगे राइट साइड। तो ये आ गया गोविंदपुर का रास्ता यहाँ से, और हम लोग वहां से निकले थे। यहां से गोविंदपुर आगे माइलस्टोन में देखते हैं कितना है। तो गोविंदपुर यहाँ से 41 किलोमीटर है दोस्तों, और चकाचक रास्ता, ये साहेबगंज धनबाद वाला रास्ता है, कनेक्टिंग रोड। सो ये देखिए दोस्तों,
पहाड़ों के बीच से रास्ता काटा गया। सोचो जब रास्ता काटा गया होगा और जब रास्ता नहीं होगा तब लोगों को कितना तकलीफ होता होगा जाने में, और अभी ये कट गया है तो ऑसम। तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया, ये राइट साइड में एक रास्ता ये भी गिरडी जाता है। तो देखो धनबाद यहाँ से 40 किलोमीटर। अभी धनबाद से जस्ट गोविंदपुर यहाँ 4 किलोमीटर और राजवीर होटल है, तो यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। और ये रोड आप तो देख ही रहे हो, चाय पी के बताता हूँ। अच्छी चाय है, चीनी कम है, अच्छी चाय है, चीनी कम है, और काफ़ी अच्छा लगा चाय पी के। चलिए फिर आगे मिलते हैं धनबाद में। और मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अभी बरवड्डा हवाई अड्डा, वहीं पर एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, मिलते हैं वहाँ। सो गाइज़, मैं धनबाद इंटर कर चुका हूँ, यानी कि गोविंदपुर देख सकते हो राइट साइड से लूँगा, तो धनबाद उनबाद रॉन्ग साइड से सब लोग जा रहे हैं, पर मैं नहीं जाऊँगा रॉन्ग साइड से। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार लोग जो करे वो मैं भी करूँ, इधर से रॉन्ग साइड से जा सकते हैं, पर मैं अपना इस रास्ता से आगे से बाईपास है वहाँ लूँगा और उससे जाऊँगा। यहाँ से आगे से एक डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन लेंगे हम और घूमेंगे। तो ये पूरा कोलकाता वाला रास्ता, देखो कोलकाता अगर सीधा चले जाएंगे तो 270 किलोमीटर, तो बेसिकली ये जीटी रोड है कोलकाता दिल्ली वाला। यहाँ पे देखो ये ग्लाइडर लगी हुई है यहाँ पे, और ये हमारे देवी भाई। हेलो, ये धनबाद से ही है, इनके बारे में बात हो रहा था, भाई हमारे एकदम, और काफी अच्छा इनसे मतलब लगा मिलके। मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ बहुत अच्छा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जरूर इन्हें सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा एक हमारे लोकल एरिया में बहुत अच्छा ये एक मैसेज दे रहे हैं यंग यूथ के लिए कि आप अच्छे से ड्राइव करें, अच्छे से बाइकिंग करें, कर दो सब्सक्राइब, कर दो सेफ के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इनको पक्का सब्सक्राइब करें हमारे भाई को, इन्हें अप्रिशिएट करें, हमारे लोकल एरिया के बहुत ज्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज के लिए बाइकिंग के लिए। ओके वेलकम। तो ऐसा हो गया है कि अभी थोड़ा सा बैड लक हो गया हमारा कि ग्लाइडर जो है अभी फिलहाल नहीं उड़ रहा है, और 0% का चांस है, पर कोई बात नहीं, मैं इन लोगों से मिलने के लिए आया था, ग्लाइडर एक बहाना था, अगर आज नहीं कल होगा तो कल उड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उड़ेंगे। और उड़ना है कुछ तो करना है, जब इतनी दूर से आए तो खाली हाथ तो नहीं लौटने लगे सर। तो सेकंड हाफ में भी एक बार आके हम लोग ट्राई करेंगे, यही एयरपोर्ट का रनवे वगैरह अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ है, लेकिन हो सकता है सेकंड हाफ में कम चांस है, लेकिन कल पक्का है। और धनबाद में जो धनबाद के लोग है स्पेशली, तो 30 से 40 दिन का ड्यूरेशन है, तो इस बीच में 14 जनवरी तक ये इन्होंने परमिटेड लिया हुआ है, उसके जी। बाद देखते हैं कि आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन 14 जनवरी तक का तो कंफर्म है कि ये लोग जो है। तो ये तो आपको एक ग्लाइडर दिख रहा है, एक ग्लाइडर जो है दुमका गया हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 800 रुपए कुछ एंट्री फीस है, और 10 साल से ऊपर के लोग आ सकते हैं। और कुछ इसमें टेक्निकल कंडीशन नहीं, इसमें एक बॉन्ड सिर्फ साइन करना है जिसमें कि एक फॉर्मेलिटीज है, एक साइन करके और कैश दे करके ऑनलाइन आप यहाँ पे तुरंत मतलब इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आना है, मतलब फर्स्ट बेसिस पे आ सकते हैं और यहाँ पे अपना जो है एंजॉय ले सकते हैं जॉय राइडिंग। तो एक बार सेकंड हाफ में ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आएंगे। ओके, मिलते हैं, सो फार सो गुड गाइस। अभी हम लोग हैं देवी भाई के घर में, और उनकी पूज्य माता जी है, ये उनका बेटा है, आज बेटा नाम बता दो अपना, स्वयं सिंह नाम है, और भाभी जी अंदर है अभी, और यहाँ पे विकास भाई बैठे हैं, तो इनके गिम्बल से अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। और देवी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाय नाश्ता कराया इन्होंने, तो अभी हम घर में आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ऐसा कुछ कि अपने एक सब्सक्राइबर के घर में आए आप। तो हम लोग अभी बस ये ज्यून का एक गिम्बल है इनका, विकास भाई का, तो बस यही टेस्ट कर रहे थे, बहुत जल्दी मैं ये लेने वाला हूँ गिम्बल, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है फंक्शन वगैरह टाइमलेस हाइपरलेस बनाने के लिए। तो समय ऑलरेडी 1:10 हो चुका है, और अब निकलते हैं, एक बार देखते हैं हवाई अड्डे में, लास्ट बार ट्राई मारते हैं, व्लॉग फ्रेंडली बच्चा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा आएंगे और फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। अभी देवी भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अफसोस हो रहा है कि आप यहाँ इतनी दूर से आए हमारे लिए, अप्रोक्स 125 किलोमीटर के आसपास में चल के आए, और जिस मकसद से आए थे शायद वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक बार लास्ट ट्राई मारते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों से मिलने का, एयरपोर्ट एक बहाना था। हाँ। और फिर अगर नहीं होगा तो फिर आ जाएंगे, कितना दूरी है।
एक एक इनके लिए एक क्या बोलते हैं सरप्राइज है, एक और चांस देंगे इनको बुलाने के लिए, है ना, इनके लिए और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज रहेगा नेक्स्ट एक। और अच्छा हमारे पास रीजन है कि दोबारा धनबाद आए हमारे लिए, है ना, ठीक है, कोशिश रहेगा। और ये विकास भाई का तो गिम्बल है, तब इनका क्या बोलते हैं चैनल का लिंक मैं दे दूंगा वरना नाराज हो जाएंगे। और काफी अच्छा गिम्बल है, मतलब बहुत स्मूथ आ गया है, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आगे। तो अभी जो है देवी भाई जो है अभी हमारा अपाचे चला रहे हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, और मैं उनकी पल्सर चला रहा हूँ। कितने साल पुराने हैं ये? अप्रोक्स 14 इयर्स और 3 मंथ्स हो चुकी है। तो सोचिए इतना होने के बाद भी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, तो एक जो बाइकर है वही ट्रू स्पिरिट समझता है और अपने बाइक को अपने एक परिवार के सदस्य के भांति रखता है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और हम लोग अब जा रहे हैं, देवी भाई मुझे ड्रॉप करेंगे, इनको भी जाना है, तो अब हम लोग निकल जाएंगे वापस देवघर की ओर। तो चलिए चलते हैं, कर रहा है और हम चले। तो ये पल्सर की बहुत पुरानी मॉडल है और दोस्तों क्या लाजवाब मेंटेन करके रखा है भाई ने, स्मूथ ट्रांसमिशन बड़ा स्मूथ। और पल्सर की ये बाइक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी आज के जो पल्सर्स वगैरह आ रहे हैं उनके मुकाबले। तो भाई जो है थोड़ा मुझे ड्रॉप कर देंगे, आज ऐसा है कि बैड लक हो गया एयरपोर्ट वाला, थोड़ा सीन हो गया, आज नहीं उड़ा रहे ग्लाइडर, पर मैंने आपको दिखा दिया, रेट बता दिया है, और फिर दोबारा मैं आऊँगा तब मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा उस चीज़ के बारे में। फिर आ गए हम हवाई अड्डा पर, मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, पर ट्राई करते हैं। हो चुके थे, हम लोग निकल रहे थे, उतने देर में शेखर आया, और शेखर आया अपने साथ बाहर लाया, गुड लक लाया, और एरो ग्लाइडर फिलहाल उड़ रहा है। अभी आपको ग्लाइडर नहीं दिख रहा है, तो अभी मेरा नंबर 4 नंबर, 800 रुपए लगा, एक साइन करना पड़ता है कॉन्फिडेंशियल कि कुछ आपका पैर हाथ टूटा उसके जिम्मेदारी होगा, पूरा सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। और देवी भाई ने पैसा पेमेंट कर दिया, अब बुरा तो लग रहा है, कोई नहीं, कोई किया नहीं जा सकता। अरे हम धनबाद, हम जब धनबाद से इनके यहाँ देवघर जाएंगे तो ये तो फ्रेंडशिप है, ट्रू फ्रेंडशिप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे शेखर भाई, इनको आपने बठिंडा वॉल वाले ब्लॉग में देखा होगा, और आज फिर इनसे मिलना हो गया, बहुत खुशी हो रही है। आज दो लोग हैं, ऐसी तरह से परिवार और कारोबार बढ़ता जाएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ आज, और मतलब इनका आना यहाँ सफल हो गया, और ये हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए कि आज फाइनली मतलब ये जो है एक जॉय राइडिंग कर पा रहे हैं, जॉय राइडिंग कर पा रहे हैं। तो ग्लाइडर जिसके लिए इतनी दूर से आए हुए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है थोड़ा एरियल फुटेज भी दिखाऊं। बिल्कुल बने रहिए, कोशिश यही रहेगी हमारी। और यहाँ देवी भाई और शेखर भाई ने मेरा सारा सामान वगैरह पकड़ कर रखा है, इनको बहुत थैंक्स। और अभी बस ग्लाइडर आने वाला है, उसके बाद मैं बैठूंगा अंदर, मूवीज वगैरह लेना अलाउड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो एंजॉय करना है वो करेंगे। ये देखिए अपने जवान देश का भी बोझ उठाते हैं, दोस्तों का भी बोझ उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनको हैट्स ऑफ, दोस्तों सपोर्ट के लिए होते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग जैसे दोस्त हो तो फिर और किसी की जरूरत क्या है। मैं कैमरामैन बना हूँ फिलहाल। हाँ ये कैमरामैन शेखर। चलिए मिलते हैं दोस्तों, तो अब मैं इसमें बैठूंगा।
वर्थ इट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्या बोलते हैं, तो कैसा लगा सौरभ जी आपको? बहुत अच्छा लगा रहे मैं, जस्ट लाइक देवी भाई बैठ गए और ऐसा तारामाची में हम लोग बैठते हैं ना, तो कभी कभी नहीं लगता झटका, वेटलेस उस टाइप का कुछ लगा और मजा आया बहुत ज्यादा। कहने का मतलब है जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, भैया के सब्सक्राइबर हैं जो, और जो भी फ्रेंड्स करेंगे एक बार अगर ट्राई करें, बिल्कुल एक बार करें, 800 रुपए लग रहा है पर वर्थ इट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम वसूल है एरोप्लेन में जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पर ग्लाइडर जो टू सीटर है, कॉकपिट में बैठ के जो एंजॉय करना, एंजॉय करना वो एक अलग एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस। और बात बाकी भी कर पाओगे अच्छे, असम मैं बता दूंगा तो आओगे कैसे, जल्दी आओ यहाँ पे, कम एंड जॉइन दिस। यस, तो देवी भाई और अब हम इन लोगों से अलविदा लेने का मौका आ गया। ओके, 4 बज गया लेकिन फिर मिलेंगे और एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है देवी भाई के साथ, वो सरप्राइज है बिल्कुल। और ये शेखर, चलिए